2018 में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है अन्ना हजारे। आखिर अन्ना का पीएम मोदी से भरोसा क्यों उठ गया है? केंद्र की मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे करे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। शायद यही वजह है कि अन्ना हजारे अब मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक अन्ना अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। अन्ना ने कहा है कि मोदी सरकार ने न तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया और न ही पीएम मोदी की ओर से लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में कोई दिलचस्पी दिखाई दी। हजारे ने दो टूक कहा कि उनका भरोसा अब प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से उठ गया है। अगले साल अपने संभावित आंदोलन के बारे में अन्ना ने यह भी कहा कि उनका यह आंदोलन जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अन्ना का यह आंदोलन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों और किसानों की कर्ज माफी को तुरंत लागू करने समेत कई अहम मांगों को लेकर किया जाएगा। अन्ना ने कहा कि दिल्ली में उनका यह आंदोलन लोगों को जागरूक करने के लिए होगा। भ्रष्टाचार पर एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए अन्ना ने कहा कि एशिया के भ्रष्ट देशों की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम को पत्र लिखता रहा और वादों की याद दिलाता रहा, लेकिन अब उनके वादों से मेरा भरोसा उठ चुका है। बकौल अन्ना, सरकार देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। इससे पहले भी अन्ना ने गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पर एक दिन का सत्याग्रह किया था। इस दौरान भी उन्होंने जन लोकपाल के नहीं आने का जिक्र किया। साथ ही अन्ना ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार रोकने में फेल होने, जन लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर गंभीर न होने का आरोप भी लगाया था और अब उन्होंने अगले साल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार अन्ना की इस चेतावनी को किस रूप में लेती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।